हेलो बच्चों, मैं श्रीमती साधना जैन व्याख्याता, शासकीय MLB कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शहडोल। आज हम क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 8 मानव स्वास्थ्य एवं रोग के अंतर्गत पार्ट 1 का अध्ययन करेंगे। बच्चों, जैसा कि आपको ज्ञात है, कोरोना संक्रमण काल के कारण कक्षाएं प्रभावित हुई हैं, अतः हर विषय का सिलेबस कुछ कम किया गया है। आपका नया ब्लूप्रिंट जारी हो गया है। आज हम नए ब्लूप्रिंट के अनुसार जीव विज्ञान विषय के यूनिट 2 की अध्याय 8 मानव स्वास्थ्य और रोग की पुनरावृत्ति करेंगे। इस दूसरी इकाई से कुल 21 अंक के प्रश्न पूछे जाना है। 1 अंक के 7 प्रश्न, 3 अंक के 2 प्रश्न और 4 अंक के 2 प्रश्न। हम इस अध्याय में सबसे पहले सामान्य परिचय, फिर मानव में सामान्य रोग, उसके बाद पुनरावृत्ति और अभ्यास के प्रश्नोत्तर देखेंगे। बच्चों, आप सभी ने स्वास्थ्य शब्द का प्रयोग किया होगा। जब हम स्वास्थ्य शब्द का प्रयोग करते हैं, तो हम केवल शारीरिक स्वस्थता को ही ध्यान में रखते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। एक पूर्ण रूपेण स्वस्थ व्यक्ति वह है जो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ हो। जब लोग स्वस्थ होते हैं, तो वे अपने काम में बहुत सक्षम होते हैं, उनमें उत्पादकता बढ़ती है और आर्थिक संपन्नता आती है, लोगों का आयु काल बढ़ता है, शिशु और मृत्यु दर में कमी आती है। मानसिक, सामाजिक और भौतिक रूप से विकृति विहीन व्यक्ति को ही स्वस्थ व्यक्ति कहते हैं, अर्थात जिस व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा हो, समाज के साथ व्यवहार अच्छा हो, ऐसा व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति कहलाता है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग होता है और अच्छा स्वास्थ्य हमें प्रसन्न तथा शांति प्रिय बनाता है। अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए हमें संतुलित आहार, व्यक्तिगत स्वच्छता और व्यायाम को अपनाना चाहिए। योगाभ्यास भी अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने में बहुत मदद करता है। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि हम बीमार क्यों होते हैं? हमें बीमार करने में कुछ जीव, निर्जीव या कुछ पदार्थ सहायक होते हैं। ज़्यादातर बीमारियाँ जीवित कारकों से होती हैं। आइए हम कुछ कारण जानते हैं जो हमें बीमार करते हैं। पहला है जैविक कारक या रोगाणु। प्रकृति में बहुत सारे ऐसे जीव पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करके हमें रोगग्रस्त करते हैं। इन सूक्ष्म जीवों को जो हमें रोगग्रस्त करते हैं, रोगजनक, रोगाणु या पैथोजेंस कहते हैं। इनसे पैदा होने वाली बीमारियों को संक्रामक बीमारियां कहते हैं। रोगाणु शरीर में प्रवेश करके संक्रमण फैलाते हैं और अधिकांश बीमारियां संक्रामक होती हैं, अर्थात वह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचती हैं। दूसरा कारक है रासायनिक कारक। हमारे शरीर में कुछ उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं, जैसे यूरिया बनता है, यूरिक अम्ल बनता है और इसके अलावा कुछ रासायनिक प्रदूषक जो कि कारखानों या मोटर गाड़ियों आदि से उत्पन्न होते हैं, जैसे पारा,
ओजोन, लेड, कैडमियम आदि ये भी हमें बीमार कर सकते हैं। कुछ भौतिक कारक जैसे बहुत ज़्यादा ताप, आर्द्रता, दबाव, ध्वनि, नमी, विद्युत आदि इनका अनियमित प्रभाव रोग उत्पन्न करता है। कुछ यांत्रिक कारक भी होते हैं जैसे चोट या दुर्घटना आदि। इसी तरह से कभी-कभी पोषक तत्वों की कमी से भी हम बीमार होते हैं। आपको मालूम होगा कि भोजन में 6 पोषक तत्व आवश्यक हैं। वे हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन और जल। इन सभी की संतुलित मात्रा भोजन में लेना आवश्यक है। अगर इनकी कमी हो जाए तो भी हम रोगग्रस्त होते हैं। साथ ही साथ पदार्थों की अगर अधिकता हो तब भी हम रोगग्रस्त हो सकते हैं। जैसे कि हार्मोन और पोषक पदार्थों की अधिकता भी हमारे अंदर रोग उत्पन्न करती है। अब हम देखेंगे बीमारियों के प्रकार। बीमारियों को उनकी प्रकृति और कारणों के आधार पर दो वर्गों में बांटा गया है। ए, जन्मजात रोग या आनुवांशिक रोग, और बी, उपार्जित रोग। तो हम देखें जन्मजात रोग या आनुवांशिक रोग क्या हैं। वे रोग जो जीवों में जन्म से होते हैं। यह रोग विकासीय या उपापचयी अनियमितता के कारण पैदा होते हैं, जैसे हीमोफीलिया, रंग वर्णांधता, हसियाकार अरक्तता, फेनिल कीटोन्यूरिया आदि। और दूसरा है उपार्जित रोग। वे रोग जो जीवों में जन्म के बाद विभिन्न कारकों के कारण पैदा होते हैं, उपार्जित रोग कहलाते हैं। उपार्जित रोगों को पुनः दो भागों में बांटा है। पहला, संक्रामक रोग। यह रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते या संचरित होते हैं। दूसरा, असंक्रामक रोग। यह रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते। इन रोगों के कारक जीव नहीं होते, बल्कि यह जीवों के अलावा दूसरे किसी कारण से होते हैं। बच्चों, अब हम देखते हैं मानव में सामान्य रोग। जीवाणु, कवक, विषाणु, प्रोटोजोआ, ये सभी मनुष्य में रोग उत्पन्न करते हैं। ऐसे रोग कारक जीवों को जो रोग उत्पन्न करें उन्हें रोगजनक या पैथोजेंस कहते हैं। एक नंबर के प्रश्न में यह पूछा जाता है कि रोगजनक या पैथोजेंस क्या हैं, या इस तरह से भी प्रश्न आ सकता है कि रोग पैदा करने वाले कारकों को खाली स्थान कहते हैं। तो आपका आंसर होगा रोग पैदा करने वाले कारक जीवों को रोगजनक या पैथोजेंस कहते हैं। अधिकांश परजीवी रोगजनक होते हैं क्योंकि यह परपोषी या होस्ट के अंदर या बाहर रहकर उसे क्षति या हानि पहुंचाते हैं और उसमें रोग पैदा करते हैं। बच्चों, जीवाणु मनुष्य में अनेक रोग पैदा करते हैं, जैसे हैजा या कालरा, टाइफाइड जिसे मियादी बुखार भी कहते हैं, इसके अलावा निमोनिया, तपेदिक, कुष्ठ रोग, टिटेनस, प्लेग, डायरिया आदि। ये सभी जीवाणुओं से होने वाले रोग हैं। पर परीक्षा में सामान्यतः यह प्रश्न पूछा जाता है कि जीवाणुओं से होने वाले किन्हीं दो रोगों के नाम लिखिए और उनके उत्तरदायी जीव बताइए। तो यहाँ हम
टाइफाइड और निमोनिया के बारे में पढ़ते हैं। साल्मोनेला टाइफी यह एक रोगजनक जीवाणु है। यह मानव में टाइफाइड या मोतीझरा रोग पैदा करता है। यह रोगजनक संदूषित या कंटेमिनेटेड भोजन और पानी के द्वारा हमारी छोटी आंत में प्रवेश कर जाता है और वहां से शरीर के अन्य अंगों में पहुंचता है। इस रोग में लगातार बुखार रहता है, कमजोरी होती है, पेट या अमाशय में दर्द होता है, कब्ज, सिर दर्द, भूख ना लगना आदि टाइफाइड रोग के प्रमुख लक्षण हैं। टाइफाइड ज्वर की पुष्टि बिडाल परीक्षण से हो सकती है। ये प्रश्न भी परीक्षा में आता है कि टाइफाइड ज्वर का पता किस परीक्षण से लगाते हैं, तो आंसर है बिडाल परीक्षण के द्वारा टाइफाइड ज्वर का पता लगाते हैं। आइए अब हम जीवाणु से होने वाले एक और रोग निमोनिया के बारे में जानते हैं। स्ट्रेप्टोकाकस निमोनी जैसा जीवाणु निमोनिया रोग पैदा करता है। इस रोग में हमारे फुफ्फुस या लंग्स के वायु कोष्ठ में संक्रमण के कारण तरल भर जाता है, जिससे सांस लेने में गंभीर समस्या पैदा हो जाती है। उच्च ज्वर, ठंड लगना या ठिठुरन, खांसी और सिर दर्द आदि निमोनिया के प्रमुख लक्षण होते हैं। निमोनिया रोग संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्तियों में पहुंचता है, क्योंकि संक्रमित व्यक्ति जब सांस या छींक के द्वारा बिंदुकों या ड्रॉपलेट्स को छोड़ते हैं तो यह बिंदुक या ड्रॉपलेट्स सामान्य व्यक्ति के अंदर पहुंच जाते हैं। इसके अलावा संक्रमित व्यक्ति का रुमाल या उसके जूठे बर्तन का इस्तेमाल करने से भी निमोनिया रोग होता है। बच्चों, बहुत से विषाणु भी रोग उत्पन्न करते हैं। राइनो वायरस सबसे ज़्यादा संक्रामक रोग सामान्य जुखाम फैलाता है। डेंगू, चिकनगुनिया और वर्तमान समय में फैला संक्रामक रोग कोविड-19 या कोरोना का संक्रमण भी विषाणु जनित रोग है। कोरोना या कोविड-19 से बचाव का सबसे अच्छा उपाय है जागरूकता। हमें मास्क का प्रयोग करना चाहिए, एक दूसरे से 6 फीट की दूरी बनाकर रखना चाहिए, समय समय पर साबुन से हाथ धोना चाहिए और सैनिटाइजर का प्रयोग करना चाहिए। अब हम देखते हैं प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नाम के एक बहुत छोटे से प्रोटोजोआ से होता है। प्लाज्मोडियम की विभिन्न जातियाँ जैसे कि प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियाई और प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम विभिन्न प्रकार के मलेरिया के लिए उत्तरदायी हैं। मलेरिया का परजीवी मच्छर के अंदर रहता है और मच्छर के काटने से हमें मलेरिया हो सकता है, या हम कह सकते हैं कि मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र 2 होस्ट के अंदर पूरा होता है। एक होस्ट है मनुष्य और दूसरा मच्छर। अमीबियसिस या अमीबिक पेचिस मनुष्य की बड़ी आंत में पाया जाने वाला प्रोटोजोआ एंट अमीबा हिस्टोलिटिका ये एक परजीवी है
और इससे अमीबिता, अमीबियसिस या अमीबी अतिसार, जिसे हम डायरिया या पेचिस भी कहते हैं, यह रोग उत्पन्न होता है। इस रोग के सामान्य लक्षण हैं पेट में दर्द, ऐंठन, अत्यंत श्लेष्म तथा रक्त के थक्के वाला मल, अर्थात मल के साथ लसलसा पदार्थ या श्लेष्म या रक्त का स्राव होता है। वाहक, इस रोग की वाहक घरेलू मक्खियां हैं। घरेलू मक्खियां परजीवी को संक्रमित व्यक्ति के मल से भोज्य पदार्थों तक ले जाकर उसे संदूषित या कंटेमिनेटेड कर देती हैं। अब हम आगे देखें हेलमेंथीस से होने वाले रोग। हेलमेंथीस भी रोग उत्पन्न करते हैं। सामान्यतः गोल क्रमी एस्केरिस और फाइलेरिया क्रमी बुचेरेरिया कुछ ऐसे क्रमी हैं जो मनुष्य के लिए रोगजनक हैं, अर्थात मनुष्य में रोग उत्पन्न करते हैं। एस्केरिस से एस्केरिस्ता रोग होता है। एस्केरिस्ता या एस्केरियसिस के सामान्य लक्षण। इस बीमारी में आंतरिक रक्तस्राव, पेशीय पीड़ा, बुखार, अरक्तता आदि उत्पन्न होते हैं। एस्केरिस परजीवी के अंडे संक्रमित व्यक्ति के मल के साथ बाहर निकलते हैं और ये बाहर आकर मिट्टी, जल और पौधों आदि को संदूषित या कंटेमिनेटेड करते हैं। स्वस्थ व्यक्ति में यह संक्रमण संदूषित पानी, साग सब्जियों, फलों आदि के सेवन से होता है। इसलिए हमें स्वच्छ पानी का उपयोग करना चाहिए। साग सब्जी फलों आदि को अच्छे से धोकर प्रयोग में लाना चाहिए तथा खुले में शौच नहीं जाना चाहिए। एक अन्य बीमारी है हाथी पाँव या हस्तीपाद। इसे हम फाइलेरिया या फाइलेरियसिस के नाम से भी जानते हैं। यह बीमारी बुचेरेरिया बैनक्राफ्टी या बुचेरेरिया मेलाई आदि फाइलेरियाई कृमि के कारण होती है। इसके कारण अंगों में प्रायः अर्धपाद की लसिका वाहिनियों में दीर्घकालिक शोथ हो जाता है और यह कृमि इन अंगों में कई वर्षों तक रहते हैं। हाथी पांव बीमारी में प्रारंभिक लक्षण के रूप में हल्का बुखार और बदन दर्द रहता है, लेकिन बाद में यकृत, प्लीहा इत्यादि सूजकर रसौली बना देते हैं और इसकी विकसित अवस्था में पैर बहुत अधिक मोटे हो जाते हैं। इसीलिए इस बीमारी को हाथी पांव या हस्तीपाद रोग कहते हैं। आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा, देखिए पैर कितने मोटे हो गए हैं, उनमें स्वेलिंग या सूजन आ गई है। इसे हम फाइलेरिया या फाइलेरियसिस भी कहते हैं। इस बीमारी के रोगाणु क्यूलेक्स तथा एडीज मच्छर के द्वारा फैलते हैं। इस बीमारी से बचाव के लिए हमें मच्छरों से विशेष बचाव करना चाहिए, साथ ही साथ मच्छरों को पनपने ही नहीं देना चाहिए। बच्चों, संक्रामक रोगों के निरोध या नियंत्रण के लिए हमें व्यक्तिगत और जन स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। व्यक्तिगत स्वच्छता में हमें अपने शरीर को साफ रखना चाहिए, पीने के लिए साफ पानी, साफ खाना, साग सब्जियों आदि का सेवन करना चाहिए। जन स्वास्थ्य में
अपशिष्ट पदार्थ और मल मूत्र उत्सर्ग का समुचित निपटान होना चाहिए। जलाशय, कुंडों और तालाबों की समय समय पर सफाई होनी चाहिए। तालाबों आदि में ले जाकर पशुओं को नहीं नहाना चाहिए तथा तालाब के पास बैठकर कपड़े भी नहीं धोना चाहिए। जन खान पान प्रबंधन में भी स्वच्छता के मानकों का पालन करना चाहिए। बच्चों, अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि मानसिक, सामाजिक और भौतिक रूप से विकृति विहीन व्यक्ति को ही स्वस्थ व्यक्ति कहते हैं। टाइफाइड, हैजा, निमोनिया, त्वचा का संक्रमण, मलेरिया, ये सभी हमारे लिए कष्ट का प्रमुख कारण होते हैं। व्यक्तिगत स्वच्छता के अलावा अपशिष्ट का समुचित निपटान, पीने के पानी को प्रदूषण रहित बनाना, मच्छर जैसे रोग वाहकों का नियंत्रण और प्रतिरक्षीकरण, इन सभी रोगों की रोकथाम में सहायक होता है। जब हमें रोग कारक एजेंटों का खतरा होता है तो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र इन रोगों की रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आइए अब हम कुछ प्रश्नोत्तर का अभ्यास करते हैं। सही विकल्प चुनिए, यह एक नंबर में पूछा जाता है। पहला प्रश्न है, एलर्जी का एक रूप है दमा, पीली आँखें, टाइफाइड या इनमें से कोई नहीं? तो उत्तर है, एलर्जी का एक रूप दमा है। दूसरा प्रश्न है, टीकों की खोज का श्रेय किसे जाता है? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर, लुई पाश्चर या रोनाल्ड रॉस? आंसर है, टीकों की खोज का श्रेय एडवर्ड जेनर को जाता है। टाइफाइड ज्वर की पुष्टि होती है एलिसा परीक्षण से, एड्स परीक्षण से, बिडाल परीक्षण से अथवा ये सभी? अब आंसर है, टाइफाइड ज्वर की पुष्टि बिडाल परीक्षण से होती है। इसी तरह से अगले प्रश्न में फिर चार ऑप्शन हैं। हाथी पांव रोग किसके संक्रमण से होता है? जीवाणु के संक्रमण से, कि विषाणु के संक्रमण से अथवा कवक या फाइलेरियाई कृमि के संक्रमण से? तो आंसर है, हाथी पांव रोग फाइलेरियाई कृमि के संक्रमण से होता है। अगला प्रश्न है, मलेरिया, हैजा, प्लेग वाहकों द्वारा फैलने वाले रोग हैं। ए, संक्रामक, बी, असंक्रामक, सी, जन्मजात और डी, लोपनीय। तो आंसर है, ये सभी बीमारियां संक्रामक बीमारियां या संक्रामक रोग हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला, रोगों का जन्म सिद्धांत खाली स्थान ने दिया। आंसर है, रॉबर्ट कोच ने। दूसरा प्रश्न है, हेपेटाइटिस रोग खाली स्थान के द्वारा होता है। आंसर है, विषाणु के द्वारा। तीसरा प्रश्न है, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस खाली स्थान को मनाया जाता है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 4, मैरी मैलान का उपनाम खाली स्थान है। आंसर है, टाइफाइड मैरी। यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, आयुर्विज्ञान में एक चिर प्रतिष्ठित मामला मैरी मैलान उपनाम टाइफाइड मैरी का है। इसका उल्लेख करना यहाँ सटीक है। वह पेशे से रसोइया थीं और वह खाना बनाती थीं और उनके द्वारा वर्षों तक टाइफाइड वाहक के रूप में वह टाइफाइड फैलाती रहीं। प्रश्न क्रमांक 5,
मलेरिया रोग खालिस्थान के द्वारा होता है तथा खालिस्थान इसका वाहक है। आंसर है मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के द्वारा होता है और मादा एनाफ्लीज मच्छर इसकी वाहक है। प्रश्न क्रमांक 6, खालिस्थान एक जन्मजात रोग है। उत्तर है हीमोफीलिया। प्रश्न क्रमांक 7, दाद या रिंग वर्म खालिस्थान कवक के द्वारा फैलाया जाता है। आंसर है दाद या रिंग वर्म माइकोस्पोरम नामक कवक के द्वारा फैलाया जाता है। बच्चों, 4 अंक के प्रश्न में यह पूछा जा सकता है कि जलवाहित रोगों की रोकथाम के लिए आप क्या उपाय अपनाएंगे। तो सबसे पहले आप जानें कि जलवाहित रोग क्या हैं। जलवाहित रोग वे रोग हैं जो पानी के द्वारा या जल के द्वारा संचारित होते हैं। तो पानी या जल से संचारित होने वाले रोग जैसे कि टाइफाइड, अमीबता, एस्केरिस्ता आदि की रोकथाम के निम्न उपाय हैं। पहला, पानी को उबालकर फिल्टर करके पीना चाहिए। पीने के पानी को हमेशा साफ बर्तन में ढककर रखना चाहिए। जलाशयों, कुंडों, मल कुंडों और तालाबों की समय समय पर सफाई करनी चाहिए। मलेरिया और फाइलेरिया जैसे रोगों के रोग वाहकों को और उनकी प्रजनन की जगहों का या तो नियंत्रण करना चाहिए या उन जगहों को खत्म कर देना चाहिए। इसके लिए आवासीय क्षेत्र और उसके आसपास पानी जमा नहीं रहने देना चाहिए, क्योंकि जमा पानी में मच्छर अंडे देते हैं। कूलर की नियमित सफाई करना चाहिए। मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा दरवाजे और खिड़कियों में जाली लगाना चाहिए ताकि मच्छर अंदर प्रवेश ना कर सकें। इसके साथ साथ तालाबों में छोटी छोटी गैम्बूसिया मछलियां छोड़ देना चाहिए। ये मछलियां मच्छरों के अंडे और डिम्बकों को खा लेती हैं। ये प्रश्न अक्सर खालिस्थान में आता है कि तालाबों में मच्छरों को नष्ट करने के लिए या उनको पनपने से रोकने के लिए खालिस्थान मछलियां छोड़ी जाती हैं। तो आंसर होगा गैम्बूसिया मछलियां।